नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि उद्यान और पशुपालन विभाग में 645 रिक्त पदों पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बहुत लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार हो रहा था, तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आ गया है। 27 अक्टूबर तक इसका जो है लास्ट डेट है। तो आप जो है आयोग की वेबसाइट में जाएं, psc.uk.gov.in पर, और अपना जो है फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए। साथ ही साथ अपना फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको जो है वैलिड लगाइएगा, सही इन्फॉर्मेशन को एंटर कीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप जानते हो कि 645 रिक्त पदों पर नोटिफिकेशन आया है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें जो है भर्ती आ रखी है। तो इसमें जो है दो तरह की भर्तियां हैं, एक जो है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, सहायक कृषि अधिकारी के लिए, और जो दूसरी जो भर्तियां हैं जो बायोलॉजी ग्रुप के लिए, मतलब जिनका ग्रेजुएशन ZBC से है, मतलब जिनका जो ग्रेजुएशन है वो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से है, उनके लिए ये जो भर्तियाँ हैं। तो 645 में से कुल 283 पोस्टें ऐसी हैं जिनके लिए ZBC वाले बच्चे जो हैं एलिजिबल हैं। तो उन पे मैं पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। इसमें सबसे पहले भर्ती है ना, मोस्ट टारगेटेड जो एग्ज़ाम है वो है उद्यान पर्यवेक्षक, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र का। तो इसके अंदर आपको पता है कि 245 जो है पद हैं, तो काफ़ी अच्छी जो है ये पोस्ट है। दूसरा जो है इसमें हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर का जो है भर्ती है, इसमें भी 27 पद हैं, ये भी काफ़ी अच्छा पद है। तो दूसरा पद ये हो गया। तीसरा जो है मशरूम विकास अधिकारी का है, तो इसमें भी 3 पद हैं। चौथा जो है सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान का है, तो इसमें भी 3 पद हैं। सहायक प्रशिक्षण अधिकारी जो है उद्यान विभाग का, उद्यान वाला, हॉर्टिकल्चर वाला, तो इसमें भी 3 पद हैं। सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी है, तो इसमें भी 2 पद हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के जो है मैंने आपको बताया है कि 283 पोस्टें इसके अंदर हैं। मतलब ZBC वाला जो बच्चा है, जिसने अच्छे से ZBC अपनी करी हुई है BSc, तो वो इनके लिए एलिजिबल है। तो आप जो है आयोग की वेबसाइट पे जाएं और अपना नोटिफिकेशन जो है, अपना जो फॉर्म है उसको टाइम से भर लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। अब पेपर पर चर्चा कर लेते कि पेपर कैसे होगा। तो पेपर होंगे इसके 2, है ना, कुल 300 नंबर के पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जो है वो GS का होगा, है ना, वो GK का होगा, जनरल नॉलेज का, और GS का होगा, और सामान्य हिंदी। मतलब इसके अंदर जो है हिस्ट्री आ रही है ना, पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, उत्तराखंड का नॉलेज आएगा, कंप्यूटर आएगा, रीजनिंग आएगा, तो ये सब विषय, और हिंदी 20 नंबर की हिंदी इसके अंदर आएगी। तो इस मतलब ये सब सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न उसके अंदर होंगे, 20 नंबर जो है वो 20 क्वेश्चन जो हिंदी के होंगे, बाकी 80 नंबर आपके GK, GS और रीजनिंग, ये सब कंप्यूटर के होंगे। तो पहला पेपर ये कॉमन पेपर है, ये सबको देना है। दूसरा पेपर देखो, दूसरा पेपर जो है वो 200 नंबर का होगा और 3 घंटे आपको इसमें मिलेंगे, और 200 नंबर का 200 प्रश्न ही होंगे, 200 अंक इसके अंदर आपको मिलेंगे, और 3 घंटे का पेपर होगा। और ये जो पेपर हैं ये एक ही दिन होंगे, मतलब एक मॉर्निंग वाली शिफ्ट में एक होगा ये फर्स्ट वाला पेपर, और इवनिंग वाली शिफ्ट में फिर दूसरा पेपर हो जाएगा। अब क्या है, जैसे देखो इसके अंदर जो बायोलॉजी, मैंने आपको बोला कि 283 पोस्टें हैं, तो जो 283 पोस्ट हैं उन पे जो पेपर होगा वो बायोलॉजी का होगा, मतलब जूलॉजी और बॉटनी दोनों का। जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस दे रखा है, है ना। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे 8868649649777। तो जूलॉजी बॉटनी आपको पढ़नी है, प्लस आपको ये फर्स्ट पेपर पढ़ना है। तो इस तरीके से आपका 300 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। अब बहुत से बच्चे थे हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र वाले, उद्यान पर्यवेक्षक वाले, और जो मैंने आपको पोस्ट बताई हैं, तो इनमें बहुत जो है बहुत सारे मैसेज, मतलब 7 तारीख को आ चुका है, 2 दिन पहले आया, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि पूरा सिलेबस इन्होंने चेंज कर दिया है और पूरा पैटर्न भी पेपर का चेंज कर दिया है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे द्वारा, है ना, मोस्ट टारगेटेड बैच जो है शुरू किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि पेपर जो है इसका होना है 7 जनवरी को, है ना। ये मान के चलिए आपके पास आज से लेके, है ना, 90 दिन बच रहे हैं, है ना, तो 90 डेज आपके पास बच रहे हैं, और आयोग ने ये कैलेंडर आपका 26 सितंबर को अपडेट कर दिया था। पहले ये पेपर 7 फरवरी को होने वाला था, लेकिन अब होगा 7 जनवरी को। तो 3 महीने आपके पास है, 3 महीने में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी आप किस तरीके से करेंगे, तो देखो इसके लिए मैंने आपको बताया, हमारे द्वारा टारगेटेड बैच, मतलब इसका एक टारगेट बैच शुरू हो रहा है, एक ही बैच शुरू होगा, और जो कि हो रहा है 17 अक्टूबर से, यानी अगले हफ्ते मंगलवार से हम एक ही बैच शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम इसका जो आपका पूरा सिलेबस है वो कवर करेंगे, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, GK, GS और हिंदी, है ना। और मेन चीज़ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच होगा, पहली चीज़ ये। अब इस पर भी मैं चर्चा आगे करता हूँ, तो लेकिन पहले बता दूँ कि आप किस तरीके से इस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। तो आप जो है प्ले स्टोर में जाएँ, हमारा एप्लीकेशन NN क्लासेस को डाउनलोड करें,
है ना। यहाँ पर जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर इसमें एंटर कीजिएगा, अपना नाम डालिएगा, वहाँ पर आपको बैच शो हो जाएगा हमारा, ये टारगेट उद्यान पर्यवेक्षक यानी हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र। तो ये बैच आपको एनरोल करना है। बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो देखो बैच के अंदर आपको मेन सब्जेक्ट जूलॉजी और बॉटनी की दोनों की लाइव क्लास मिलेगी, है ना। तो जूलॉजी आपकी मॉर्निंग में 11 बजे से और 12:30 बजे चलेगी, बॉटनी आपकी शाम को 5 से 6:30 बजे चलेगी, और ये दोनों ही आपको भावना मैम के द्वारा करवाया जाएगा, जो ऑलरेडी हमारे लैब असिस्टेंट के अंदर भी पढ़ा रहे हैं। जीके और जीएस और उत्तराखंड में आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है इनके जो बैच हैं हमारे पास, लैब असिस्टेंट वाला जो सिलेबस है और इसका जो सिलेबस है, दोनों कॉमन है। मतलब जीके जीएस और उत्तराखंड का सिलेबस तो कॉमन है, कोई चेंजेस नहीं है, आप मिला लीजिएगा। तो ये आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी इनको देखो, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें लाइव जुड़ना ही जुड़ना है, क्लासेस बनी हुई हैं, ऑलरेडी चल रही हैं क्लासेस, तो हम सीधे उस सेक्शन को वहाँ पर ऐड कर देंगे, तो आप आराम से अपना जो सिलेबस है जल्दी ख़त्म कर सकते हो। प्लस टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, सेम इसी के ही। हिंदी आपकी नवंबर में करवाई जाएगी, क्योंकि हिंदी का ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, तो जल्दी से हिंदी ख़त्म हो जाएगी, तो नवंबर में हम हिंदी करवाएंगे। तो मेन जो है आपका जूलॉजी बॉटनी है, और बाकी जीके जीएस उत्तराखंड के लिए आप निश्चिंत रहो, रिकॉर्डेड सेशन देखो, अपने टेस्ट लगाओ, और एक आधा बुक हम आपको और सजेस्ट कर देंगे जिससे आप टेस्ट लगा सकते हैं, तो इससे आपका काम बन जाएगा। बाकी हिंदी में भी आप बेसिक लूसेंट की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपका जूलॉजी बॉटनी, तो जूलॉजी बॉटनी को आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से टारगेट करना है, क्योंकि जीके जीएस उत्तराखंड ये सब आसानी से हो जाएगा। बात करें फीस की, तो फीस है मात्र 1999, कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 3 महीने का समय है, और सिलेबस एमएससी तक का डाल रखा है, मतलब एमएससी तक के टॉपिक इसके अंदर डले हुए हैं। तो एक ही बैच है, मतलब ज्यादा सोचना मत, तैयारी करनी होगी तो निश्चिंत होकर एनरोल करवाओ, हम आपको निराश नहीं करेंगे, प्रॉपर इसके अंदर आपको सिलेबस करा के देंगे। हमारे साथ काफ़ी बच्चे पहले भी जुड़े हैं, मतलब लैब असिस्टेंट के, इन्वायरमेंट सुपरवाइज़र के, तो आपको तैयारी करनी है तो बिल्कुल वेट मत करना, क्योंकि ये नहीं होगा कि आप 10 दिन बाद 15 दिन बाद बैच बिल्कुल नहीं आएगा। एक ही बैच है, एक ही बैच चलेगा, क्योंकि इतना समय ही नहीं है कि दूसरा बैच इसमें शुरू हो सके, है ना। तो वेट बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इनरोल कर लीजिए। फीस वही है 1999, है ना। उसमें आपको पूरा जो है, हम यहाँ पर आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो अवेलेबल करवा देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में कोर्स होगा, जूलॉजी बॉटनी जीके जीएस हिंदी, ये सब चीज़ें आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेगी। तो तुरंत जाएं प्ले स्टोर में, डाउनलोड करें एप्लीकेशन को, है ना, क्योंकि 17 से क्लास होगी, तो 16 तारीख को आपका ओरिएंटेशन एक क्लास होगा, ऐप के अंदर ही होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आप प्ले स्टोर में जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।